यह आपकी सेहत से जुड़ी बड़ी पड़ताल है। आपने पराली पर हमारी एक्सक्लूसिव पड़ताल देखी। अब बात कंट्रोवर्सी क्वीन कंगना रनौत की करते हैं। भीख से मिली आजादी के बाद अब कंगना का नया कांड सामने आया। सवाल यही है कि आखिर कंगना सुधरती क्यों नहीं। देखिए ये रिपोर्ट। अभी भीख में मिली आजादी वाली टिप्पणी पर उठा तूफान थमता, उससे पहले ही अभिनेत्री कंगना रनौत ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर अपने विवादित विचार व्यक्त कर नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। इधर कंगना का बयान आया, उधर जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। यह आक्रोश कंगना के विवादित बोल पर है। कंगना के खिलाफ मामला भी दर्ज हो चुका। हम आगे बढ़े उससे पहले देखिए और समझिए दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले महात्मा गांधी पर कंगना की सोच कितनी दूषित है। कंगना ने इंस्टाग्राम पर एक अखबार की पुरानी क्लिपिंग लगाई है। इसका शीर्षक है, गांधी और दूसरे नेता नेताजी को सौंपने को तैयार हो गए थे। वहीं अपनी पोस्ट में कंगना ने लिखा है, या तो आप गांधी के फैन हो सकते हैं या फिर नेताजी के समर्थक। आप दोनों के समर्थक नहीं हो सकते, इसका फैसला खुद करें। कंगना के ये शब्द महात्मा गांधी जैसी महान शख्सियत का अपमान नहीं तो और क्या है। सवाल ये है कि महात्मा और बोस की तुलना करके कंगना रनौत क्या साबित करना चाह रही हैं? कंगना ने अपने पोस्ट में आगे लिखा है, गांधी ने कभी भगत सिंह या नेताजी का समर्थन नहीं किया। ऐसे सबूत हैं जिससे लगता है कि गांधी चाहते थे भगत सिंह को फांसी हो। इसलिए आपको ये फैसला करने की जरूरत है कि किसका समर्थन करना है, क्योंकि सभी को अपनी यादों के बस्ते में एक ही साथ रखना और सबकी जयंती पर उन्हें शुभकामनाएं देना काफी नहीं है। वास्तव में ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना और सतही है। हमें अपने इतिहास और नायकों का पता होना चाहिए। ये वही कंगना रनौत हैं जिन्होंने पिछले दिनों एक कार्यक्रम में ये कहकर विवाद खड़ा किया था कि 1947 में देश को आजादी भीख में मिली थी। देश को असली आजादी तो 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद मिली। कंगना मानती है कि 2014 में देश को आजादी मिली। आज कंगना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महात्मा गांधी वाले विचारों को गौर से सुनना चाहिए। और कौन भारतीय होगा जिसको इस बात का गर्व न हो कि आज ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने महात्मा गांधी खड़े हो। इससे बड़ा गर्व क्या हो। महात्मा गांधी की महानता की गाथा आपने नरेंद्र मोदी से सुनी, वही पूरा देश इस वक्त आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। लेकिन कंगना रनौत इस मौके पर भी आजादी के नायकों के साथ भद्दा मजाक कर रही है। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने कंगना से पल्ला झाड़ लिया है। मुझे लगता है किसी व्यक्ति की टिप्पणी पर मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने भले ही कंगना के बयान पर चुप्पी साध ली हो, मगर विपक्ष हमलावर है। अभी हमने देखा है कि चीन ने हमारे गाल पर थप्पड़ मारा है, अंदर घुस गए हैं और हम दूसरा गाल भी आगे कर रहे हैं। चीन लद्दाख में घुस गया है, चीन अरुणाचल प्रदेश में घुस गया है, चीन और भी जगह पर घुस रहा है। कश्मीर में पंडितों की हत्या हो रही है और बहुत कुछ इस देश में चल रहा है। और ये मैडम को मालूम होना चाहिए कि आज देश की हालत क्या है। तो उन पर टिप्पणी करके मैं राजनीति और लोक संवाद के चरित्र को गिराना नहीं चाहता। माफी के साथ कहता हूँ, मेरा टिप्पणी करने की इच्छा नहीं है। मैं तो प्रधानमंत्री जी से पूछता हूँ, इनको भी आप मन की माफी वाली श्रेणी में रखते हैं जैसे उस मोहतरमा को रखे आप जो भोपाल।